तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। और आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी कैसरीज इंजन टाइमिंग के बारे में। तो इंजन टाइमिंग से रिलेटेड पूरी डिस्कस करेंगे और तरीके से इंजन की टाइमिंग को फेड करेंगे और गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं कहना और चाहूँगा कि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ फंसी फंसी गाड़ियों का काम, इंजन का काम, टाइमिंग का सारी चीज पूरी डिटेल में दिया जाता है और आगे देते ही रहेंगे, चलता ही रहेगा ये मामला। और नेक्स्ट वीडियो हमारा आया है क्योंकि यूट्यूब की तरफ से मुझे अवार्ड मिल गया है, तो उसका भी वीडियो जाने वाला है। नेक्स्ट वीडियो ये अवार्ड का ही जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये भैया वैगनार कैसरीज न्यू मॉडल वैगनार, तो इसकी टाइमिंग आज समझेंगे हम लोग कि टाइमिंग कैसे मिलाई जाती है। तो सबसे पहले केम की टाइमिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। केम की टाइमिंग क्यों ज़रूरी होता है मिलाना, क्योंकि पहले नीचे क्रैंक की टाइमिंग का पिस्टन नीचे कर दो, एक नंबर का पिस्टन, क्योंकि ऊपर करेंगे और केम की टाइमिंग जब मिलाएंगे तो वाल टेढ़े होने का चांस है। इसलिए पहले केम का टाइमिंग मिला के फिर क्रैंक की टाइमिंग मिलाते हैं। तो फर्स्ट में केम की टाइमिंग मिलाने के लिए इसके एरो को जो है ना, ये देख रहे हैं ना गरारियों पर एरो, एरो का देख रहे हैं ना, ये ऊपर की तरफ रखना है और इसमें भी एरो लाना पड़ेगा। तो 14 नंबर का पाने से घुमाना जरा इसे, बस जरा उल्टा कर दो थोड़ा सा, वाह वाह ज़्यादा कर दी, वाह वाह इतने वो वैसे बस कहीं भी रख दो कोई दिक्कत नहीं। टाइमिंग चेन यहाँ पे लगेगा, टाइमिंग चेन में मार्का होता है चूँकि, तो इसका हो गया ऊपर और इसका भी हो गया ऊपर, ठीक है। अभी क्या है, इसमें एक पॉइंट और नीचे भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ना ये पुलियों पे पॉइंट। अरे यहाँ चूँकि कैमरा जाना ज़्यादा डिफिकल्ट, एक पॉइंट हो गया और एक गरारी में एक और पॉइंट इसमें भी देख लो, ठीक है। तो ये पॉइंट का भी यहाँ मैटर है, ये देखो पॉइंट यहाँ रखना पड़ेगा इसके सामने और एक पॉइंट इसके सामने रखना पड़ेगा। एक कार्टर को ऊपर कर लेंगे इसके ठीक सामने, ठीक है। इस कार्टर को थोड़ा सा इंजन घुमाओ इमरान भाई, जरा पाना लग रहा है, चलो 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 बस, ठीक है। ये काटर के ठीक सामने आ गया, बिल्कुल फ्रंट पे यहाँ। अभी क्या है, ये देखो नीचे देख रहे हैं ना ये मार्का, यहाँ टाइमिंग चेन का जो डिसकलर है उस, ये डिसकलर एक यहाँ पे आएगा और बाकी दो एरो पे जाएंगे। तो मैं अभी चेन लगाने वाला हूँ लॉग। तो सबसे पहले क्या करना है, ये वाला जो गाइड है ना चेन गाइड, ये पहले लगा लेंगे इसको, उसके बाद से ही चेन चढ़ाना होगा सबसे पहले, तो ये यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये देखो टाइमिंग चेन पे डिसकलर देख रहे हो ना, ये डिसकलर क्रैंक पे आएगा, एक सिंगल डिसकलर, और बाकी ये टाइमिंग चेन पे कोई डिसकलर इधर नहीं है, एक यहाँ पे है ब्लैक वाला और एक यहाँ पे है ब्लैक वाला, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो केम पे आ जाएगा, एक इंटेक केम और एग्जॉस्ट केम पे। अब मैंने चेन को जो है ना इस पे इंस्टॉल कर दिया, तो आप देख सकते हैं डिसकलर मैंने रखा है, ठीक है, इस निशान के सामने। तो ये हो गया अपना क्रैंक की टाइमिंग का, ठीक है। अब कार्टर को ऊपर रख दिया इस उस पॉइंट के सामने, देख सकते हो पॉइंट कार्टर सेम टू सेम ऊपर है पॉइंट के सामने, ठीक है। अब आ जाओ केम का, केम की टाइमिंग, और ये है केम की टाइमिंग का, देख सकते हैं आप एरो, एरो के सामने हमने जस्ट रखा हुआ है इसको, ठीक है। ये केम की टाइमिंग हो गई, ये एग्जॉस्ट केम और ये इंटेक केम, इसका भी सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसीजर रखा मैंने। ये देखो एरो के सामने डिसकलर रख दिया, तो ये हो गया केम की टाइमिंग परफेक्ट। लेकिन टाइमिंग कब परफेक्ट होगी, जब आपका चैन जो है ना इधर से, ये चैन इधर से टाइट करके तब लेना पड़ेगा, चैन टाइट इधर से ही रखना है, इधर से लूज रख दो ताकि वो गाइड वाइड, अब दूसरा सेकंड जो आपका गाइड है चैन गाइड और एडजस्टर हाइड्रोलिक एडजस्टर वो लग जाएगा दूसरे, लेकिन टाइट करके इधर से टाइमिंग लेना है तभी परफेक्ट टाइमिंग है। ये फाइनल टाइमिंग हमारी हो गई एग्जॉस्ट केम, ठीक है, ध्यान देते रहना यहाँ, एग्जॉस्ट केम, इंटेक केम, ठीक है, इंटेक केम के नीचे वाला ये देखो, ठीक है, ये हो गया एग्जॉस्ट केम का नीचे वाला,
ये ठीक है, ये हो गया केम की टाइमिंग और ये हो गई क्रेन की टाइमिंग। यहाँ देखो बिल्कुल ओके, ठीक है। एक राउंड घुमाए हैं, एक राउंड घुमाते ही चैन तो आउट हो जाता है, पर एरो का निशान ऊपर रखा है, ऊपर आ गया, ये वाला एरो का निशान ऊपर आ गया, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं जब, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है, एक ये और एक ये बिल्कुल परफेक्ट। एक राउंड देना बहुत ज़रूरी होता है इंजन के लिए, ठीक है, देखो। और क्रैंक का, क्रैंक का बिल्कुल बिल्कुल टाइम, बिल्कुल टाइमिंग सेट, देखो, ठीक है। और यहाँ से नीचे आ गया, तो एक राउंड घुमाने के बाद चैन की ये डिसकलर जो है ना वो आउट हो जाती है। तो इस ये होता है परफेक्ट टाइमिंग, जब एक बार आप घुमा के देखो कहीं से अटक तो नहीं रहा है। और कोई भी टाइमिंग हो, चाहे डीजल की हो या पेट्रोल की हो, एक राउंड घुमाना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। तो वही होता है परफेक्ट टाइमिंग। अभी मैंने घुमा के टाइमिंग एक बार चेक कर ली, बिल्कुल परफेक्ट है, डिसकलर आउट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए। टाइमिंग कब कंप्लीट मानी जाएगी? जब गाड़ी स्टार्ट हो। अभी हमने गाड़ी पूरी ओके कर दी, टाइमिंग बिल्कुल ओके बढ़िया कर दी, अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करो इमरान भाई। ठीक है, तो यही था टाइमिंग का वीडियो। और ओके थैंक यू, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, चाहे इंजन हो या कुछ भी हो, टाइमिंग हो, किसी से भी रिलेटेड हो।